आप कहाँ से हैं बताएं और विपस्ना आपको कैसे अच्छी लगी वो बताएं। मेरा नाम अनीता है, मैं बड़ौदा से हूँ और विपस्ना मुझे बहुत अच्छा लगा। विपस्ना में मतलब 10 दिन अपने आप को देखने का मौका मिलता है। तो विपस्ना से आपके जीवन में क्या अंतर आया पहले में बाद में? हाँ, क्या फर्क पड़ा? मैं थोड़ा मतलब चीजों को बहुत थोड़ा अच्छे ढंग से समझ पाई, दूसरों को भी समझ पाई और अपने आप को समझ पाई सबसे। तो जीवन जीने में जो आसानी अब आ रही है उस समय और अब में कितना अंतर आया? बहुत अंतर आया। अच्छा, गुस्सा वगैरह ये बहुत सब बहुत कम हो गया। और खाने की मात्रा जो खाना, अब मुझे पता है कि मुझे कितना खाना कितना है। खाना हाँ। है तो आप किसी और को भी भेजा आपने क्या? अपने किसी बहन को या बुआ को या ताई चाचा को किसी को? हाँ, सभी को बताया है। सबको बताया है, आगे भी जाएंगी करने के लिए विपस्ना? हाँ, अगर जरूरत लगी मुझे। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुलसी है। अच्छा, विपस्ना करके कैसा लगा आपको, कितना कोर्स किए हैं? बहुत अच्छा लगा है, 2 बार मैंने किया है। अच्छा, तो अभी कुछ शराब वराब छोड़ने का, कुछ व्यभिचार छोड़ने का, कुछ चोरी चकारी छोड़ने का पक्का हो गया? यस, हो गया, मैंने गुटखा सब छोड़ दिया। अच्छा, गुटखा छोड़ दिया आपने? यस। पहले खाते थे? हाँ, पहले खाता था, जब से विपस्ना की तब से नहीं खा रहा हूँ। ये तो विपस्ना का बहुत अच्छा फायदा हो गया आपको, बड़ा मन को एक शक्ति मिलती है। अच्छा, अब कमजोरी महसूस नहीं होती अंदर? नहीं, कुछ नहीं होता। अच्छा, जाओगे दोबारा? हाँ, तीसरी बार ही करने का इच्छा रहा। अच्छा, तीसरी बार भी करोगे? हाँ। चलो, वेरी गुड। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम तुलसी है। कहाँ से हो आप? मैं गुजरात के पाटन जिले से हूँ। अच्छा, पाटन जिले से। हाँ। आपका क्या नाम है? चंदू है मेरा नाम। कहाँ से हैं आप? जी, गुजरात अमरेली से। अमरेली से है। विपस्ना किए हैं आप? विपस्ना एक से भी किया है। अच्छा, कैसा लगा विपस्ना करके? बहुत अच्छा लगा। कुछ जीवन में फर्क आया? जी, मैं पहले बहुत गुच्छा कर रहा था लेकिन अभी गुच्छा नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, किसी के साथ अभी गुच्छा नहीं कर रहे हैं? और शराब गुटखा वो नहीं खाता, कुछ वो नहीं खाते? चोरी चकारी ना? ना, कभी नहीं। अब काम करने में मन लगता है? थकान नहीं होती? होता है, थकान नहीं होती। अच्छा, दोबारा जाएंगे विपस्ना? दोबारा जाएंगे। औरों को भी भेजेंगे? हाँ, औरों को भी भेजेंगे, हम भी जाएंगे, कर परिवार को। शाबाश। मेरा नाम महेश है, मैं राजकोट का हूँ। इसके लिए विपस्ना करने से पहले मेरे को किसी भी चीज, छोटे छोटे चीज़ों में बहुत गुस्सा आ रहा था, जैसे संधू भाई ने बताया उसी तरह मेरे को बहुत गुस्सा आता था, हद से ज़्यादा। अब गुस्सा नहीं करता मैं किसी के ऊपर। और शराब गुटखा चरस नहीं, ऐसा तो मैं व्यसन नहीं करता पहले से। कोई चोरी जगारी कुछ नहीं, कोई आलस नहीं। अभी काम करने में अच्छा लगता है? हाँ, काम करने में अच्छा लगता है और थकान भी महसूस नहीं होती। आपने रिश्तेदार वगैरह को भेजा दोबारा करने के? हाँ सर, मेरा फ्रेंड को भेजा था, 2 को। उसको अच्छा लगा? हाँ, उसको अच्छा लगा। अभी और लोगों को भेजोगे? हाँ, मैं भी जाने वाला हूँ पर अभी नहीं, थोड़े टाइम के बाद। क्या नाम बताया? मेरा नाम महेश है, राजकोट से मैं बिलोंग करता हूँ। ठीक ठीक, धन्यवाद जी। आप अपने बारे में बताएं और विपस्ना आपको क्यों अच्छी लगी इसके बारे में बताएं। विपस्ना, अपना नाम पता बताएं। मेरा नाम है रामचंद्र। कहाँ से? मैं बेसिकली लखनऊ से हूँ और अभी बड़ौदा में सेटल हूँ जी। पहले भारतीय वायु सेना में थे और अभी पब्लिक सेक्टर में भी मैंने काम किया है। तो विपस्ना आपको कैसे इन्फ्लुएंस किया विपस्ना ने? विपस्ना इन्फ्लुएंस इसलिए किया, किसी ने बताया कि यहाँ आपको ट्रुथ क्या होता है, सच्चाई क्या है, जान सकेंगे। बेसिकली इसकी डेफिनेशन तो सब लोग पढ़ते हैं बट एक्चुअल क्या है वो आपको विपस्ना भी पता चलेगा, इसलिए विपस्ना ऑप्ट किया। और विपस्ना जाने के बाद एक्चुअली मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि विपस्ना में ऐसा कुछ सिखाया जाता होगा या वो जानकारी मिलेगी। मेरा मानना यह है 10 दिनों में जो विपस्ना मैंने सीखा है वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते, उसके लिए खुद का अनुभव करना होगा। अच्छा, बट इतने कहूँगा बट, और साथ ही यही कहना चाहूँगा जो अपनी ज़िंदगी भर हम सीख नहीं पाते वो मैंने विपस्ना में सीखा है। तो आपने अपनी फैमिली में किसी को और भेजा? बिल्कुल भेजा, मेरी वाइफ भी गई है, मेरी सिस्टर, मेरे जिया जी, मेरे कई दोस्त। अच्छा, मेरे कहने पर और भी लोगों को भेजना चाहेंगे? बिल्कुल भेजना चाहेंगे, बिल्कुल रिकमेंड करेंगे। वेरी गुड। तो विपस्ना से आपकी जीवन में लाभ क्या बिल्कुल आए, इंस्टेंट लाभ क्या है? विपस्ना से इंस्टेंट लाभ ये हुए कि एक्चुअली फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है जीवन की, वो हमें समझने को जानने को मिला। और क्योंकि अदरवाइज हम भ्रम में जीते रहते, एक्चुअली सच या झूठ क्या है वो वहाँ पता चला, सच क्या झूठ क्या है उसका हम कह सकते हैं, डीप हम समझ पाए। और तो आपको लगता है कि भारत ने एक बहुत बेहतरीन चीज खोज के दुनिया को दी? इससे बढ़िया चीज़ है ही, मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से इससे बढ़िया चीज़ देश में क्या, पूरी दुनिया में नहीं है। तो आप पूरी दुनिया को रिकमेंड करेंगे कि दुनिया जाए और उसको करे? बिल्कुल रिकमेंड, जिन्हें जाना है उसके बाद मैंने समझने की कोशिश की बुद्ध को, तो मैंने देखा पूरी दुनिया को ऑलरेडी इन्होंने इन्फ्लुएंस किया है। मेरे कहने की जरूरत नहीं है, वो तो ऐसा चांद है जो ऑलरेडी लोग उसको सुपर साइंटिस्ट कहते हैं और मैं समझ गया सुपर साइंटिस्ट है वो, ही इज अ सुपर साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र सिंह है, मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ। अच्छा, एयरफोर्स में थे आप, तो आपको विपस्ना का कैसा लगा? विपस्ना फर्स्ट टाइम मैंने किया
तो काफ़ी चेंजेज आया हमारे बॉडी में। 50% कई ऐसे मानसिक बीमारियां थी, सबसे पहले तो वो दूर हुआ, और उसके बाद हमारे जो घरेलू जो स्तर था हमारा जीने का जो प्रक्रिया थी उसमें काफ़ी चेंजेज आया। जीने के स्तर में समय समय पे किसी पे गुस्सा कर देना या किसी को डांट देना, इस तरह की चीज़ें थी, उसमें काफ़ी चेंजेज आया है। और सबसे बड़ी चेंज तो इसमें यह आती है कि मन की शांति हो जाती है। कितनी भी बेचैनी काम धंधा से होता था या किसी टेंशन से होता था, उसमें बिल्कुल ही शांति मिलना शुरू हो गया है। आपने अपने परिवार के और भी लोगों को भेजा? जी। कौन कौन गया? अभी हमारे परिवार से मेरी मिसेज जाती हैं, और मैं अभी अपने लड़का और बहू को भी भेजने वाला हूं, और हमारे साथ हमारे दोस्त कई दोस्त अभी जा रहे हैं, अगला कोर्स में भी जा रहे हैं, 5 दोस्त हमारे साथ पटना से जा रहे हैं, और यहां से भी बड़ौदा से भी कई लोग हमारे साथ भी गए हैं। अच्छा, चलिए। अभी तक हमने 3 कोर्स कर चुके हैं और ये 4th कोर्स में जाने वाले हैं। तो विपश्यना आपको मिला के बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा नहीं, ये ज़िंदगी बदलने वाली एक अपॉर्चुनिटी है जो आज तक हमें कहीं भी नहीं मिला। मैं 10-15 साल तक साधु संतों में ढूंढता रहा कि कुछ ऐसी पद्धति मिले जो हमें अपने बारे में जानने को मिले, कहीं भी नहीं मिला। जब यहाँ पहुँचा तो मुझे लगा कि यही एक रास्ता है जो भगवान बुद्ध ने दिया है, और यही एक बहुत बड़ी साइंस है जो हम अपने आप में जान सकते हैं, अपने लिए जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up.